हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जब कभी आप अपने व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, उसमें से कुछ मीडिया फाइल्स को शेयर करते हैं या अपने व्हाट्सएप में अपने दोस्तों द्वारा भेजे गए मीडियाज़ को डाउनलोड करते हैं, फिर आप अपने व्हाट्सएप को बंद करते हैं और जब दोबारा खोलते हैं तो आपने यह शायद कभी ना कभी जरूर देखा होगा, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर इंटरनल स्टोरेज। तो आप बहुत परेशान होते होंगे उस समय। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके दो वजह हो सकती हैं कि एक्सीडेंटली आपने उन मीडिया फाइल्स को अपने फोन में से डिलीट कर दिया है या किसी और वजह से आपने उसे डिलीट कर दिया है, पर यह इसका एक्चुअल रीजन नहीं है। मैंने यूट्यूब पे काफी इसके सॉल्यूशन देखे पर कोई भी मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं लगा, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने सिस्टम सेटिंग्स के अंदर फोन की स्टोरेज में जाते हैं और वहां पर आपने हो सकता है एक्सीडेंटली या जानबूझकर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया हो कि व्हाट्सएप की जो मीडिया फाइल्स हैं वह इंटरनल स्टोरेज की जगह आपने एक्सटर्नल स्टोरेज पर सेव करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो सिंपली आपको उस ऑप्शन को डीसेलेक्ट करना है या अनटिक करना है या डिसेबल करना है, तो इसके बाद आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास सैमसंग का A50 मोबाइल है, आपके पास हो सकता कुछ और हो, लेकिन फिर भी आपको अपने फोन में कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूर दिखाई देगा। मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा ये ऑप्शन कहाँ पर है और उसे आप इजीली ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मेरे फोन की स्क्रीन। जैसे मेरे पास सैमसंग का A50 मॉडल है फोन का, उसके अंदर अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं तो जो स्टोरेज वाला ऑप्शन है मुझे इस डिवाइस केयर के अंदर दिखाई देता है। ये स्टोरेज में जाते हैं और एक स्टोरेज बूस्टर का जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आ रहा है मूव कंटेंट टू SD कार्ड, तो शायद आपके मोबाइल में भी कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली उसे आप क्लिक करें तो ये देखिए मेरे व्हाट्सएप और मैसेंजर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आपने इनको ऑन कर दिया हो। तो अगर ऑन ऑलरेडी ऑन है तो इसे आप ऑफ कर दें, या आपके फोन में जो टिक अन टिक का भी ऑप्शन आ सकता है उसे आप अनटिक कर दें, जिससे आपकी व्हाट्सएप का जो मीडिया है वो इंटरनल स्टोरेज में ही रहेगा। तो ऐसा करते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ कमी रहेगी हो तो भी जरूर बताइएगा ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।